नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दबंग विहार स्टार टीवी, मैं साकिब और बबुरवन पंचायत परवाह गांव के अंदर मौजूद है। आइए, हमारे सामने मुखिया प्रत्याशी है, उनसे मैं कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। उनके आने की मुद्दा क्या है चुनाव में, पंचायती चुनाव में वो मुखिया प्रत्याशी है। आइए सर, आप अपना पहले परिचय दे दें। मेरा नाम शिवली नौमानी हुआ और आपको बता दूं कि प्रत्याशी मैं नहीं, मेरी पत्नी निखत याशमी महिला सीट है, बबुरवन पंचायत जनरल महिला है, तो यहाँ से प्रत्याशी मेरी पत्नी है निखत याशमी। और मैं बहुत दिनों से राजनीति से सक्रिय हूँ, कई जगह से सक्रिय हूँ, पॉलिटिकली भी और सामाजिक भी, हर जगह लोगों की मदद में रहता हूँ। और मेरे आने का एक ही उद्देश्य था कि विगत जो पाँच साल से पहले वाला साल जो 5 साल गया है, वहाँ राजनीति पहले के मुखिया लोगों में यह हुई एक चीज़ देखने को मिला है मुझको कि वो जीते तो हैं सभी के विकास के नाम पर, सभी वार्डों का विकास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकाध दो तीन वार्ड को समेट करके वो विकास में लगा लेते हैं, बाकी पंचायत के सभी जनताओं को उलझा देते हैं। अभी विगत मुखिया, वर्तमान मुखिया जो गुजरे हैं, जिनका कार्यकाल गुजरा है, वो सभी को जल नल का लॉलीपॉप सभी वार्ड मेंबर्स को दिखा दिए कि 25 लाख दे रहा हूँ, और उसमें वार्ड में और गांव ग्रामीणों में घमासान हो गया कि भाई एक वार्ड को 25 लाख मिला, इतना कमा लिया, इतना लूट लिया। नतीजतन आप देख रहे हैं कि हर वार्ड में 5 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट, यहाँ तक कि परिहार ब्लॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब कि हमारा पंचायत का वार्ड नंबर 13 सबसे अधिक वार्ड मेंबर प्रत्याशी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये 25 लाख का लॉलीपॉप जो नीतीश सरकार ने मुखिया के द्वारा दिलवाया जनरल योजना के नाम पर, और बाकी का योजना जो आया, जैसे 15वीं योजना का वित्तीय आयोग का पैसा आया, इस पैसे के बारे में किसी को नहीं पता, और यहाँ की जनता ने पूछा तो उसको धुतकार दिया, मतलब यहाँ की जनता को सबको नल जल में ही उजरा दिया, नल जल में उजरा दिया गया। बाकी योजना वो बस अपने 3 वार्ड में समेट करके रख लिए, तो 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी योजना का पैसा आया 5 साल में, वो पैसा वो अपने गाँव में करें या पॉकेट में रखें या क्या करें, वो तो मुखिया हिसाब से नाला, ये सबका जितना योजना जितना जो बाकी योजना पास हुआ उसका कोई काम नहीं हुआ है, वो सिर्फ सभी वार्ड में, मतलब एक तरफ से जो किया है मुखिया ने काम किया है, जो 25 लाख रुपए दिया उसमें बस या तो आप जलनल कराइए, जो बच जाता है पैसा उस पैसे का आप सड़क बनवा लीजिए, कहीं कहीं तो 25 लाख से ज़्यादा का जलनल योजना का एस्टिमेट है, तो वहाँ सड़क नाली का नामो निशान नहीं है। और नीतीश कुमार से चिल्ला रहे हैं कि नाली बनाया मैंने, सड़क बनवा दिया गांव गांव में, और यहाँ विकास के नाम पर मुखिया लोगों पर ही ऊपर ठेंगा दिखा दिए जनता को, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लगभग 25 वर्षों से मैं अपनी अकल में 25 सालों से मैं जनता के बीच में, तो जनता का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? जनता का सपोर्ट आप जनता से पूछे, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो अपनी मुंह तारीफ की बात हो जाएगी, जनता जवाब देगी। चलिए, हमारे सामने इस मुखिया के कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं, आप लोग जितने जनता यहाँ जी, तो इस पे क्या आप लोगों को पूरा भरोसा है, ये काम करेंगे पंचायत? पूरा भरोसा है सर, ये तो इनको तो MLA बनना चाहिए, जितने के बाद कहीं ये भी नहीं है काम करे, तो नहीं, बड़े नहीं, तो ये जो है ये अपने 30 साल की जिंदगी में ये समझिए समाज सेवा ही किए हैं। अच्छा, रात में 12 बजे खोजिएगा तो ये मिल जाएंगे जी। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना हुआ कि अभी जो हम लोग चुने हैं जिस मुखिया प्रत्याशी को, उनको जैसे अगर रात को 12 बजे, दिन को 1 बजे, किसी टाइम 24 घंटा में किसी टाइम भी हम लोग याद करते हैं, अगर कोई भी घटना दुर्घटना जैसा भी मौका मुनासिब समझकर और याद करते हैं, तो पहले पहुंचने वाले यही मुखिया के कैंडिडेट हैं। और भी हमारे सामने है ग्रामीण, मैं उनसे भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। सर, पहले आप अपना परिचय दे दें। जी सर, मैं बचपन से ये देखते आ रहा हूँ कि हमारे सिबली जी जो है वो तो मुखिया है ही है ना, लेकिन हम लोग ना हम केवल उंगली से, मतलब दिमाग से हम केवल बटन दबाना है, और सिबली जी तो हमारे मुखिया पूरा समर्थन। अच्छा, तो आपके सिबली जी मुखिया है, हाँ, उनका छाप क्या? उनका छाप गाजर छाप है। तो गाजर छाप कै नंबर पे? 13 पे। तो ये अभी इलेक्शन का टाइम है, पहले हेल्प मांगे तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो मतलब आप लोग खर्चा पानी पे नहीं चल रहे, आप लोग विकास का काम करवाना चाह रहे हैं 5 साल से, है ना? मुखिया उनको ही चुनना चाह रहे, अच्छा, मन बना लिया। चलिए, और सब खड़ा है, सब सही है क्या? आपके पंचायत का विकास का काम नहीं? नहीं, हम लोग के इधर तो बस ऐसा ही है, देख रहे हैं अब सड़क पर आए हैं, देख ही रहे हैं, नल देख रहे हैं कि कहाँ नाला है, वो भी देख रहे हैं, आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं।
युवा लड़का सब है जिसका जो शादी ब्याह हो जाता है, राशन कार्ड में नाम है, उसका इंदिरा आवास ये सब मिला है? कहाँ, हम तो देख रहे हैं कि हमारे 10 नंबर वार्ड में या किसी भी वार्ड में, हम लोग के इधर जो खास तौर से मुस्लिम वार्ड में, इसमें तो हमको कहीं नहीं नज़र आ रहा, किसी को नहीं, ना ना बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। मुखिया जी आते हैं? आते हैं लबे रोड, अच्छा। चलते फिरते अपना हाय हेलो हो गया, मतलब 5 साल में किसी से मिल मिल बस ऐसी रोड है, चलते फिरते हाय हेलो हो गया बस, इससे ज़्यादा क्या। और भी है हमारे सामने, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है, तालीम वार्ड नंबर 9 ऊपर कास्ट, और ये जो सिर्फ माफ हमारा हो रहा है, इसके बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं ऐसे लोगों की माफ करें कैसा हो, इस काम के बेहतर तरीके से लोगों के साथ फायदा पहुँचा। मुखिया तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो अपने फायदे के लिए आते हैं और अपने कुछ एरिया में वो अपना काम करते हैं। तो चाचा अगर आप लोग इस पर पूरे भरोसे करके आप लोग जिता रहे हैं, अभी जो आपके सामने न्यू कैंडिडेट है, तो इनको जिताने के बाद पुराने जो अभी 5 साल गुजरे हैं उनकी जैसे ये भी नहीं करें, इसमें ये देखा जाता है कि वो आदमी उनका व्यवहार पहले से कैसा है। अगर क्या आप लोग के बीच ये पहले से रहे? पहले से बहुत मिलते हैं और लगभग हर किसी को वो जगह जगह से काम आते हैं, जहाँ जितना उनके बस का है। तो आप लोग को पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है कि अगर ये आते हैं तो गाँव समाज के लिए बहुत बेहतर करेंगे और इतना बेहतर करेंगे कि हम तो इनको मुखिया के रूप में नहीं, मैं तो इनका MLA के रूप में देखेंगे। कुल बाबू ग्राम प्रवाहा वार्ड नंबर 9 पंचायत बबूगन, ये हमारे विगत जो मुखिया जी थे, बर्धवान के जो मुखिया जी थे, हाँ, आप लोग को इंदिरा आवास मिला होगा ना? एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास की बात, इंदिरा आवास की बात जो कीजिएगा, 250 इंदिरा आवास यहाँ पास कराया गया, जिसमें मुस्लिम का 3 नाम है, 3 ये सारे नाम को अपने गाँव में रख लिया, टोटल इंदिरा आवास अपने गाँव में वो पास करा लिया।